शेफ राकिब है हमारे साथ और मैं हूँ अभी जायका चाइनीज सेंटर के रेस्टोरेंट के किचन में, और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्न गार्लिक नूडल्स। तो शेफ स्टार्ट करते हैं। चिकन बर्न गार्लिक नूडल्स के लिए पहले आप कोई भी एक कढ़ाई ले लीजिए, गहरी कढ़ाई या फिर चाइनीज़ वोक होता है वो ले सकते हैं आप, और उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। और गर्म हो जाने के बाद फिर उसमें तेल डाल देना है हमें, कुकिंग ऑयल। और तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें दो अंडे फेटे हुए इसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से तोड़ लेना है आपको। अंडा हो जाने के बाद फ्राई उसमें बॉयल चिकन के पीसेस डाल देंगे हम, और ये शिमला मिर्च और प्याज कट किया हुआ वो डाल देना है, और पत्ता गोभी और गाजर वो डाल देना कट किया हुआ बड़े, और उसे अच्छे से हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेना। और अभी हम पहले से ही बॉयल नूडल्स डाल देंगे इसमें, और नूडल्स डालने के बाद मिक्स कर लीजिए। और अभी इसमें हम अजीनोमोटो डाल देंगे, नमक डाल देना है आपको, वाइट पेपर पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे। और ये बर्न गार्लिक है, ये मतलब पहले से फ्राई किया हुआ गार्लिक है वो आपको डाल देना है इसमें। अच्छा, ये किस में फ्राई किया हुआ होता है, तेल में कि नॉर्मल? ओके, हाँ ऑयल में ही फ्राई किया हुआ आपका गार्लिक है, ब्राउन कर लेना आपको वो डाल देना है, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा सा इसमें हम ऑयस्टर सॉस डाल देंगे और थोड़ा सा कैप्सिको सॉस जो होता है वो डाल देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे आपको मिक्स करते रहना है। और अभी हम इसमें हरी प्याज जो स्प्रिंग अनियन होता है वो डाल देंगे, और थोड़ा सा हमें इसमें बटर डाल देना, और हो जाने के बाद थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया बर्न गार्लिक नूडल। तो ये हमारा जो है बर्न गार्लिक नूडल वो रेडी हो गया है। तो ये नॉर्मल जो हक्का नूडल्स होता है वैसे ही है इसका प्रोसेस, सिर्फ इसमें जो फ्राइड गार्लिक जाता है बर्न गार्लिक वो एक एक्स्ट्रा इसमें जाता है, और ऊपर से भी आप इसमें जो फ्राइड गार्लिक है जिसे हम बर्न गार्लिक बोलते हैं वो डाल सकते हैं आप गार्निशिंग के लिए। तो ये हो गया है आपका चिकन बर्न गार्लिक नूडल्स रेडी। आप देख सकते हो इस पर ऊपर से फ्राइड गार्लिक डाला गया है, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी यूनिक टेस्ट है इसका, बिकॉज़ जो हमने बर्न गार्लिक डाले उस वजह से। तो अगर आपको इसे टेस्ट करना है, और आप अगर मुंबई से हो तो जायका चाइनीज़ सेंटर में आके इसे टेस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप घर पे बनाइए और कमेंट्स में बताइए कि आपका बर्न गार्लिक नूडल्स कैसा बना। और भी ऐसी रेस्टोरेंट की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।